खबर बानसूर से। बानसूर में एक बार फिर से बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। आपको बता दें कि बानसूर के गांव इंद्रोड़ा स्टैंड पर दो गाड़ियों में भरकर आए हथियारबंद बदमाशों ने पहले उन्हें एक युवक को गाड़ी से टक्कर मारी, जिसके बाद युवक के ऊपर हमला कर दिया गया। बदमाशों ने गांव के स्टैंड पर खड़े एक युवक को गाड़ी से टक्कर मार दी, जिसके कारण युवक जमीन पर जा गिरा। उसके बाद बदमाश गाड़ियों से उतरे और युवक के ऊपर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। फिल्मी अंदाज में बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। वहीं घटना के बाद गाँव में अफरा तफरी का माहौल मच गया। ग्रामीणों ने बीच बचाव किया, लेकिन इस बीच ग्रामीणों को भी बीच बचाव करते समय कुछ चोट लग गई। वहीं ग्रामीणों की सहायता से युवक को गंभीर हालत में बानसूर के सीएससी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए उसको कोटपुतली रेफर कर दिया। वहीं सूचना के बाद बानसूर पुलिस उपाध्यक्ष मृत्युंजय मिश्रा पूरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। आपको बता दें, डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा ने और ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा है वो आप खुद सुनिए। क्या घटना हुई थी, क्या क्या मामला था? दो गाड़ी आई थी और दो लिया टक्कर। और किस पे बैठा था ये? है? किस पे बैठा होता? उड़ा डबरी बैठा था, उड़े दुकान में खड़े जाओ। अच्छा, ये बाहर ने आयो और दे टक्कर और पीछे वो पांच सात उतरे और दमा दम चार पांच जगह खिया था। वो जगदार डर के मारे आई को ना, और फिर तोड़ और ये गाड़ी में फिर ले जाए था। ये मत फिर मैं भाग तो इसमें हमले में आपको भी लगी है क्या? हाँ लगी ना, हमने बोलते रहो जी, लगी मेरे भी जी। तो आपकी बेटी की अब क्या पोजीशन है? बिल्कुल ही हाल खराब, गंभीर हाल जी। तो क्या आप हमलावरों को जानते हैं क्या? ना साबित कर दो जी। किसी मामले को कितने लोग थे हमलावर और किस गाड़ी में बैठ गए थे? पीड़ित व्यक्ति कहाँ का था, कहाँ की ये घटना थी? देखिए, अभी कुछ देर पहले पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि इंद्राड़ा बस स्टैंड के पास एक लड़के के साथ मारपीट हुई है, और सूचना के 10 मिनट के भीतर ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। और ये संदीप जाट नाम का लड़का है जिस पर हमला किया। दो गाड़ियों में ऐसा अब तक आया है कि दो गाड़ियों में लोग भर कर आए थे और इन्होंने उनके साथ मारपीट की, और अभी इसको सीएचसी 500 लेकर आए। तो सर, कोई बता रहे हैं कि चश्मदीद को हथियार लेके आए थे वो बदमाश, ऐसा कुछ? जी हाँ, अभी तक ये अनुसंधान का विषय है। और बेसिकली कुछ जो लड़के दोनों गाड़ियों में भरकर आए थे संदीप जाट के साथ, अभी ये खुलासा नहीं हुआ है कि मारपीट क्यों हुई, किस कारण से हुई, लेकिन तो कुछ नाम अभी आइडेंटिफाई हुए हैं जिनमें सचिन मुंडली और नितेश यादव और राके अशोक बबेरा, ये तीन नाम आइडेंटिफाइड हैं। इसके अलावा और भी नाम है जिनको हम धीरे धीरे करके पूछताछ करके मालूम कर रहे हैं, और जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी